हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको साउथ इंडियन वेडिंग रिचुअल्स के बारे में बताऊंगी, यानी कि साउथ इंडिया में शादी कैसे होती है, क्या क्या रस्में होती हैं, कितने दिनों में शादी होती है, कहां पर शादी होती है और भी बहुत कुछ। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होगी और अगर आपको साउथ इंडियन वेडिंग रिचुअल्स के बारे में जानने की क्यूरोसिटी थी तो आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज मैं आपको स्पेसिफिकली तेलुगु वेडिंग रिचुअल्स के बारे में बताऊंगी। तेलुगु में हर रस्म को क्या बोलते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। जनरली पहले 19th सेंचुरी में शादी 16 डेज तक चलती थी, ऐसा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, लेकिन अभी 2 से 5 दिन में शादी हो जाती है। तेलुगु में भी बहुत अलग अलग कास्ट होती हैं, बहुत अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो हर कास्ट में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। मेन प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन वो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जो रिचुअल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है हर जगह पर। तो मैं आज जो आपसे शेयर कर रही हूँ वो मेरे इन लॉज के यहाँ के रिचुअल्स हैं। जब लड़का और लड़की दोनों की फैमिली से की तरफ से रिश्ता तय हो जाता है, सबसे पहले इंगेजमेंट होती है जिसमें ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है कि रिश्ता पक्का हो गया है और शादी होगी। पंडित जी को बुलाया जाता है और उनसे तारीख और समय फिक्स कराया जाता है शादी के लिए। फंक्शन में उसके बाद रिंग्स एक्सचेंज होती हैं और उस फंक्शन में लड़के की तरफ से, यानी कि लड़के की जो माँ होती है, वो लड़की को कुछ ज्वेलरी, क्लोथ्स और ब्लेसिंग्स देती हैं। सब लोग आकर कपल को ब्लेसिंग्स देते हैं। तेलुगु में इंगेजमेंट सेरेमनी को निश्चितार्थम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वेडिंग के रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं, शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे तेलुगु में शादी को पेल्ली बोलते हैं, PELLI, पेल्ली बोलते हैं। दूल्हे को पेल्ली कुड़कू, कुड़कू यानी कि लड़का, तो दूल्हे को पेल्ली कुड़कू बोलते हैं और दुल्हन को पेल्ली कुतरू, कुतरू यानी कि लड़की, दुल्हन को पेल्ली कुतरू बोलते हैं। तो चलिए मैं अब आपको शादी के रिचुअल्स के बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले होता है मंगल स्नानम यानी कि होली बाथ। इसमें लड़का को और लड़की को हल्दी लगाई जाती है। ये रस्में दोनों लड़का और लड़की के अपने अपने घरों में ही होती है। लड़के के घर में लड़के को हल्दी लगाई जाती है, लड़की के घर में लड़की को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी लगाने के बाद दोनों को नहलाया जाता है। ये शादी से 1 या 2 दिन पहले होता है और शादी वाले दिन भी होता है। उसके बाद लड़की के यहाँ पर गौरी पूजा होती है। जब दोनों लड़का और लड़की को नहला दिया जाता है, उसके बाद उन दोनों को शादी के पहले सेट, पहले कपड़े जो उन्होंने रखे होते हैं उसमें तैयार करते हैं। लड़की के यहाँ पर गौरी पूजा होती है, लड़की गौरी पूजा करती है। उसके बाद लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं, क्योंकि शादी लड़के के यहाँ पर होती है। साउथ इंडिया में जनरली नॉर्थ इंडिया में शादी लड़की के यहाँ पर होती है, दूल्हा बारात लेकर आता है, लेकिन साउथ इंडिया में यहाँ पर मेरे इन लॉज के यहाँ पर शादी लड़के के यहाँ पर होती है। तो गौरी पूजा होने के बाद लड़की वाले लड़के के यहाँ पर जाते हैं। लड़के के यहाँ पर मंडप सजाया जाता है और सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद लड़की वाले की फैमिली की तरफ से ताकि जो भी काम है वो सब काम शुभ हो, उसमें कोई बीच में रुकावट ना आए करके, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा करने के बाद मंडप में दुल्हन की एंट्री होती है। दुल्हन अपनी फैमिली के साथ मंडप में आती है। उसके बाद लड़का और लड़की के बीच में जब दोनों को बैठाया जाता है, कर्टेन, एक कपड़ा डाला जाता है। लड़का और लड़की एक दूसरे को देख नहीं सकते पहले। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रस्म होती है जिसको बोलते हैं जिल्लकर्रा बेल्लम। जिल्लकर्रा यानी कि गुड़, जीरा, और बेल्लम यानी कि गुड़। इन दोनों का एक पेस्ट बनाया जाता है जो कि पान के पत्ते के ऊपर रखा जाता है और वो लड़का और लड़की एक दूसरे के सर के ऊपर रखते हैं। उससे पहले होता है कन्यादान। तो जब तक वो पूरा नहीं होता है, लड़का और लड़की एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, वो दोनों को बैठाया जाता है, उन दोनों के बीच में कपड़ा रखा जाता है। फिर होता है कन्यादान। लड़की के पेरेंट्स लड़के के पैर धोते हैं। उसके बाद लड़की का हाथ लड़के के हाथ में रखते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं कुछ। उसके बाद उन दोनों के हाथ में
ये पान के पत्ते में जीरा और गुड़ का पेस्ट बनाकर दिया जाता है, उन दोनों के हाथ में रखा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो कपड़ा जो उन दोनों के बीच में है, लड़का और लड़की के बीच में, यानी दूल्हा और दुल्हन के बीच में, वो हटाया जाता है और लड़का और लड़की वो जो पेस्ट है गुड़ और जीरे का, एक दूसरे के सर पर रखते हैं। ये जो रखा जाता है एक दूसरे के सर पर वो पेस्ट, ये एक स्पेसिफिकली शुभ मुहूर्त पर ही किया जाता है, जो कि पहले से डिसाइडेड होता है। और ये रस्म करने का मतलब होता है कि लड़का और लड़की एक साथ रहेंगे पूरी उम्र भर। जैसे कि गुड़ और जीरा जो पेस्ट बना दिया तो वो अलग नहीं कर सकते हम उसको, वैसे ही ये लड़का और लड़की, क्योंकि अब इनकी शादी हो गई है, तो ये हर दुख हर हर सुख में एक साथ रहेंगे पूरी उम्र भर। उसके बाद होता है मंगलसूत्र पहनाना। लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहनाता है, जो कि एक येलो कलर के धागे में होता है, और उसको बांधने के लिए लड़के को 3 गांठ लगानी होती है। वो 3 गांठें इसलिए होती हैं, वो ये सिग्निफाई करती हैं कि लड़का और लड़की का मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाता है। वो 3 गांठें ये स्पेसिफाई करती हैं। नेक्स्ट रस्म होती है तालम्ब्रालु। इसमें क्या होता है, ये शादी का एक बहुत ही फन पार्ट होता है। लड़का और लड़की एक दूसरे के सर पर हल्दी से मिले हुए येलो राइस, येलो पीले कच्चे चावल डालते हैं। उसके अलावा थर्माकोल के बॉल्स या फिर पर्ल्स वो भी डालते हैं। देखने में तो ये रिचुअल बहुत ही फन जैसा लगता है, लेकिन ये क्यों किया जाता है करके मुझे इसका रीज़न मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है कि ये रसम क्यों करी जाती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताना। उसके बाद होता है वरमाला। लड़का लड़की वरमाला पहनाते हैं एक दूसरे को, और फिर पंडित जी गठबंधन करते हैं। और कुछ स्पेसिफिक जैसे रिचुअल्स होते हैं जब वरमाला पहनाई जाती है, या फिर जब मंगलसूत्र पहनाया जाता है, या फिर जब मैंने आपको बताया कि ये गुड़ और जीरे का जो पेस्ट होता है वो एक दूसरे के सर पर रखते हैं, उस वक्त स्पेसिफिकली जो म्यूजिशियंस बैठे होते हैं वहाँ पर, वो म्यूज़िक बजाते हैं। वो म्यूज़िक कैसे, कौन सा कैसा म्यूज़िक बजाया जाता है, वो मैं ट्राई करूँगी आपसे शेयर करने का। नेक्स्ट रस्म होती है मामा जो होते हैं लड़की के, वो लड़की के पैर की दूसरी उंगली पे सिल्वर का बिछुआ डालते हैं, जिसको तेलुगु में मेतल बोलते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में लड़की के मामा लड़की को लाल कलर का चूड़ा पहनाते हैं, वैसे ही साउथ इंडिया में लड़की के मामा लड़की के पैर पे वो सिल्वर का बिछुआ पहनाते हैं। और लास्ट में फिर होता है रिंग गेम। ये सबसे ज़्यादा मस्ती वाला पार्ट होता है पूरी शादी का। एक पॉट में पानी, दूध और रोज़ पेटल्स डालते हैं, और उसमें एक रिंग डाली जाती है गोल्ड की। फिर लड़का और लड़की हाथ डालते हैं उस पॉट में, और जो भी सबसे पहले रिंग ढूंढ लेता है, ऐसा माना जाता है कि घर में ज़्यादा उन दोनों में उसकी चलेगी जिसने रिंग ढूंढ लिया है। तो इस रिचुअल में तो बहुत मस्ती होती है। लड़की वाले लड़की को सपोर्ट करते हैं, लड़के वाले लड़के को सपोर्ट करते हैं, और बहुत मस्ती होती है। और फाइनली वो दोनों स्ट्रगल करते हैं कि पहले रिंग कौन ढूंढेगा उसमें। और सबसे लास्ट में होता है अरुंधति नक्षत्रम। इसमें क्या होता है, पंडित जी शादी की सारी रस्में जब पूरी हो जाती हैं, तो दूल्हा और दुल्हन को मंडप के बाहर लेकर जाते हैं, और अरुंधति और वशिष्ठ स्टार होता है, ये 2 स्टार होते हैं, वो दिखाते हैं आसमान में, और दूल्हा दुल्हन को वो स्टार पॉइंट आउट करके दिखाता है। फिर अरुंधति और वशिष्ठ स्टार जो हैं, ये आइडियल कपल माने जाते हैं। इसलिए न्यू वेडिंग कपल्स को शादी जैसे ही सारी रस्में पूरी हो जाती है, वो करने के बाद जब वो फाइनली मैरिड हो जाते हैं, तो वो आइडियल कपल जैसा वो स्टार दिखाया जाता है। और फाइनली उसके बाद शादी कंप्लीट होती है। शादी कंप्लीट होने के बाद फिर विदाई होती है, जब उसके बाद ये शादी की सारी रस्में ख़त्म हो जाती है। तो ये थी सारी शादी की रस्में, जो कि एक्चुअली तेलुगु वेडिंग में होती हैं। आई होप आप लोगों को, जिनको भी क्यूरोसिटी थी ये रिचुअल्स जानने की, वो पूरी हो गई होगी। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हुआ है, आपको कुछ सवाल पूछना है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स का जवाब दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और आप ऐसे ही वीडियोस
जानने के लिए, देखने के लिए, साउथ इंडियन रिचुअल्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।